जन्माष्टमी आने वाली है, आप सबको पता है मैं जन्माष्टमी का प्रसाद बनाना सिखाता हूँ। कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगा देसी घी, 300 ग्राम के करीब घी लिया है। तो ये देखिए धनिया मैंने लिया हुआ साबुत, मैं इसको खुद दर दरा पीसूंगा। एक बार इसको हम छांट लेंगे कि किसके अंदर कोई पत्थर या कुछ ना हो। धनिया प्रसाद बनाने के लिए हमेशा धनिया जो है अपना कूटा हुआ धनिया लें, आपको इसको ज़्यादा बारीक नहीं लेना है। तो अब इसको हम कूटेंगे या मिक्सी में आप इसको घुमा सकते हैं। ये देखिए धनिया को मैंने जो है पीस लिया है, तो इसको हम अभी हम साइड पे रखेंगे। परात मैंने रेडी रख ली यहाँ पे, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब सबसे पहले हम जो है ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ इसमें काजू। तो ये देखिए काजू जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लूँगा बाहर। अब इसमें डाल देंगे हम बादाम। ये 150 ग्राम काजू है, 150 ग्राम बादाम है। इसको हिलाते रहें, जब भी आप फ्राई करें कोई भी नट साथ साथ हिलाते रहें इसको, नहीं तो ये जल जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि इनके अंदर अपना ऑयल होता है। बादाम भी हमारा हो चुका है, इसको भी मैं निकाल लूँगा। अब इसके अंदर मैं डालूँगा गोंद। अब देखिए गोंद डालते कैसे फूल गई गोंद। इस प्रसाद के मेडिसिनल फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर मैं लास्ट में डालूँगा ये मखाने, फॉक्स नट्स। मखाने बेसिकली जो है ये लोटस सीड है और वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। अगर किसी को जैसे जोड़ों में दर्द होता है या कुछ होता है, तो अगर वो डेली 10 से 15 मखाने सुबह खाते हैं दूध के साथ, तो उसका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। आप देख सकते हैं मैंने जो 300 ग्राम घी डाला है वो कैसे 300 ग्राम का 50 ग्राम रह गया। मैं ये किशमिश डालते ही निकाल लूँगा, बस बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। मैं डालूँगा ये धनिया जो कि मैंने पीछे, और साथ ही मैं इसके अंदर मगज़ डाल दूँगा, क्योंकि मगज़ जो है बहुत ज़्यादा तिड़-तिड़ करते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा चीखते हैं ये तेल में डालते ही और आपके ऊपर आके गिरते हैं। तो इसी के अंदर इसको भून लें, धनिया के अंदर ही। तो अब धनिया हम भून रहे हैं, हमें तब तक भूनना है जब तक हमें धनिया की खुशबू अच्छी तरीके से ना आ जाए। तो धनिया भी जो है हमारा भून चुका है। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट हमारा सारा रेडी हो चुका है, सारा फ्राई हो चुका है। मगज़ जो है मैंने इसके अंदर ही फ्राई कर लिए। देखिए आप मगज़ कैसे मोटे हो रखे हैं, इसके अंदर फूल चुके हैं। और अब जो है, और अब मैं इसको इसी के अंदर मिक्स कर लूँगा। साथ ही में इसके अंदर जाएगा ये नारियल का बुरादा। इसको हमें जो है भूनना नहीं है, नारियल के बुरादे को। ये मिश्री एक चम्मच इसके अंदर मैं डालूँगा दरदरी कुटी हुई काली मिर्ची, और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब जो है इसके अंदर मैं डालूंगा बूरा चीनी यानी के खांड, वो आप अपने हिसाब से देखें, आपको जितना मीठा चाहिए वो उस हिसाब से रखें। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा डालें, अगर आप कम मीठा खाते हैं तो कम डालें। तो ये देखिए हमारा प्रसाद जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसको भोग लगाएंगे और उसके बाद हम इसको बांट देंगे। प्रसाद भी बन चुका है और भगवान को भोग भी लग चुका है। और अब इस सारे प्रसाद को मैं इसी में मिक्स कर रहा हूँ और अब हम इसको हम जो है बांट देंगे। कुछ अपने स्टाफ में बांटेंगे, कुछ जो है हम इधर आसपास में बांट देंगे ताकि सबके मुंह में लगे प्रसाद। आप ही बनाइएगा प्रसाद और बनाने के बाद ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। ये मैंने अपनी घर की रेसिपी जो मेरी मम्मी से मैंने सीखी थी वो मैं आपको दे रहा हूँ। और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, मेरी ID है chef.anirudh80। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। शेफ अनिरुद्ध शेट्टी साइनिंग ऑफ। थैंक्स अ लॉट।